अभी मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन का बता रही हूँ और तक मैंने आपको बता दिए हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ठीक है मैं मान लेती हूँ लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन भी जो लेंथ है रेक्टेंगुलर गार्डन की मैंने ले ली एक्स है ठीक है एक्स मीटर ले ली राइट एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी ये क्या ले ली हम वाई मीटर दोनों हमने ले ली एक एक्स ले ली और एक दूसरी क्या ले ली हमने वाई ले ली है दोनों को हमने ले लिया आगे चलो आगे देखिए आगे क्या करेंगे हम ठीक है हमें पैरीमीटर का फॉर्मूला पता है पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मीन्स टू इंटू एक्स प्लस वाई राइट आगे हमें क्या दिया हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज फोर मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ जो लेंथ है वो फोर मीटर ज़्यादा है किस से ब्रेथ से किस में हमने फोर एड करना है मने? हमने हमने फोर किस में एड करना है हमने ले लिया लेट द लेंथ भी एक्स एंड द ब्रेथ भी हमें कह दिया हुज लेंथ इज फोर मीटर मोर देन द्रेथ तो मैं इसको क्या ले सकती थी मैं इसको मैंने किस फॉर्म में ले सकती थी मैंने इसको ले सकती थी वाई प्लस फोर मीटर मैंने ब्रेथ ले ली वाई मेरे को दिया जो लेंथ है वो फोर मीटर ब्रेथ से ज्यादा है तो मैंने इसको तो क्या ले लिया वाई प्लस फोर तो मीन्स मेरी लेंथ क्या है वाई प्लस फोर है तो मैं इसमें लेंथ में क्या लिखूंगी वाई प्लस क्या आ जाएगा टू वाई प्लस फोर ब्रेड कितनी है वाई है राइट ये मेरा क्या बन गया टू इंटू टू वाई प्लस फोर क्लियर हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वो क्या है टू इंटू टू वाई प्लस फोर कितना है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज फोर मीटर मोर देन द ब्रेथ इज मीन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स ये टू से टू बट गया टू वाई प्लस फोर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स तो टू वाई कितना आ गया थर्टी सिक्स माइनस फोर टू वाई कम्स टू बी थर्टी कितना टू तो वाई कितना आ, तो आ जाएगा यहाँ से थर्टी टू अपॉन टू सिक्सटीन वाई कितना आ गया हमारा वाई क्या है हमारी ब्रेथ तो लेंथ क्या आ जाएगी breadth, breadth is, y मीटर द ब्रेथ इज सिक्सटीन मीटर एंड द लेंथ इज लेंथ में फोर ऐड कर देंगे सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी मीटर दिस इज आर आंसर दोनों को प्लस किया तो आ गया थर्टी सिक्स क्लियर अब देखो सिक्स क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन क्या है हमें गिवन द लीनियर इक्वेशन ये मेरे को इक्वेशन दिया टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो राइट अनदर अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच एट द जोमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्योर सो फॉर्म इज फर्स्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन्स बननी चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स फर्स्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन्स सेकेंड में पैरल लाइन्स और थर्ड में कॉन्सीडेंट लाइन्स देखो पहले मैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू मेरे को फर्स्ट इक्वेशन दिया है टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो आपस में इक्वल ना हो तो मैं इसको लिख रही हूँ फोर एक्स इसको मैं सिक्स नहीं लिख सकती क्योंकि सिक्स लिखूंगी तो वन अपॉन टू ये आ जाएगा तो मैं इसको सेवन वाई लिख रही हूँ ठीक है इसको मैं कुछ मर्जी लिख दूँ माइनस मैंने सिक्सटी लिख दिया या माइनस सेवनटीन कुछ मर्जी लिख दो देखो ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू लिख दिए अब पैरल लाइन्स यही सेम दिया हुआ टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो पैरल लाइन्स में क्या होता है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो मैं इसको लिख रही हूँ फोर एक्स प्लस सिक्स वाई ये तो आपस में वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू आ रहे नॉट इक्वल टू अगेन आई एम राइटिंग माइनस सेवनटीन लिख दो माइनस एटीन लिख दो लिख दो पैरल लाइन्स थर्ड है मेरी कॉन्सीडेंट लाइन्स कॉन्सीडेंट लाइन्स में क्या होता है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तीनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं आप कोई मर्जी एग्जांपल ले सकते हो ये नहीं है कि जो मैं ले रही हूं वही हो सकता है कुछ मर्जी ही पॉसिबल हो सकता है ये मैंने लेरिया सिक्स एक्स वन पॉइंट थ्री बन रहा इसमें भी वन पॉइंट थ्री बनाना है मैं मेरे को इसमें भी वन पॉइंट थ्री माइनस से माइनस कट वन पॉइंट थ्री बन रहा इसकी जगह मैं फोर एक्स सिक्स एक्स और माइनस सिक्सटीन भी ले सकती थी कुछ मर्जी ले सकती हूँ क्लियर तो ये क्या बन जाएगी मेरी कोइंसिडेंट लाइंस, क्लियर इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है हमें मैंने आपको क्या बोला यदि आप पूरा देखोगे एंड तक तो आपको समझ आएगा आज भी एंड तक देखोगे कल उससे आगे कंटिन्यू होता है समझ तभी आता है जब हम एंड तक देखते हैं अदरवाइज हमें समझ नहीं आता राइट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज सेवंथ क्वेश्चन क्या है मेरा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेश हमें दो इक्वेशन दी हुई है हमें दो इक्वेश दी है कौन सी वो दो इक्वेशन है सेवंथ में एक है एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और दूसरी है थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिस ट्रैंगल फॉर्म बाई दीज लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन इनसे इनके टेबल से जो ग्राफ बनेगा वो ट्रायंगुलर उसमें होगा तो हमें उस ट्रायंगल को जो ट्रायंगल की फॉर्म में बनना है उसको क्या करना है शेड करना है ये एक्स मैं इसको ऐसे लिख लू वाई को मैं दूसरी तरफ लेके प्लस माइनस वाई यहाँ वाई की वैल्यू पुट करती आऊँगी एक्स आता जाएगा ठीक है यहाँ क्या लिख दूँ थ्री एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस टू वाई अपॉन थ्री वाई की वैल्यू पुट करते जाओ एक्स आता जाएगा ठीक है राइट right? अब देखो मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर रही हूँ इट्स अप टू मी कि अब मैं इसमें क्या वैल्यूज पुट करूँ मैं टू टू के इंटरवल में पुट कर रही हूँ मैंने वाई पुट किया टू पुट वाई इक्वल टू टू तो एक्स कितना आ जाएगा टू माइनस वन वन पुट वाई इज इक्वल टू फोर वाई फोर तो एक्स कितना आ जाएगा थ्री पुट वाई इज इक्वल टू सिक्स then एक्स कम्स आउट टू बी कितना आ जाएगा फाइव ठीक है अब यहाँ आ जाओ इसमें पहले मैं ज़ीरो पुट कर रही हूँ वाई को ज़ीरो तो कंप्लीटली uh, डिवाइड हो जाएगा मेरे को ये भी देखना है कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए ठीक है अब क्या पुट करूँ टू टू ज फोर फोर एट में ये जाएगा तो क्या हो जाएगा एट अपॉन थ्री में मैं नहीं कर रही थ्री थ्री टू जिक्स थ्री पुट कर दूँ वाई को मैंने पुट कर दिया यहाँ मैंने पुट किया वाई इक्वल टू जीरो यहाँ मैं पुट कर रही हूँ वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स टू इंटू थ्री अपॉन थ्री तो ये क्या आ गया ट्वेल्व माइनस सिक्स अपॉन थ्री इट कम्स आउट टू बी सिक्स अपॉन थ्री टू एक्स टू वाई थ्री अब अगला क्या पुट करूँ पुट फोर फाइव सिक्स सिक्स पुट कर दूँ वाई मैंने पुट किया सिक्स राइट सिक्स पुट किया तो क्या आया ट्वेल्व माइनस टू इंटू सिक्स अपॉन्ट थ्री ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो जीरो पॉइंट थ्री जीरो एक्स जीरो वाई सिक्स राइट ये दो आगे इससे ग्राफ बनाना है हमने देखो ग्राफ कैसे बनेगा ये मेरा है वाई एक्सिस दिस इज माई सेंटर राइट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव वन टू 3, 4, 5, 6, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, right, x, x dash, y, y dash, first, 1, 2, this point, 3, 4, this point, 5, 6, this point. जीरो सिक्स बन रहा है ये देखो बन रहा है ट्रैंगुलर रीजन ट्राइंगल बन रही है उसको शेड करना है दिस इज माई ट्रैंगुलर रीजन दिस आई हैव टू शेड और इसके वर्टिसिस और इसके वर्टिसिस क्या है एक्स एक्सिपर दिस इस माइनस वन जीरो एंड दिस इज ये क्या है फोर जीरो एक बन रहा है माइनस वन जीरो और दूसरा बन रहा है फोर जीरो और इस ट्रैंगुलर रीजन को आई हैव टू शेड इट ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था थैंक यू इफ यू लाइक द वीडियो शेयर इट लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट